हजारों सालों पहले से ही हमारे इस भारत में पानी यानी कि वाटर, इसे द ग्रेट प्योरीफायर मतलब कि सबसे ज्यादा पवित्र और होलिस्टिक माना जाता है। ये पानी इस पृथ्वी के 5 एलिमेंट्स में से ही एक है और हमारी बॉडी भी इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है, और जिसका सबसे प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर यानी कि जल। ये इतना ज्यादा होलिस्टिक है ना, यानी कि पवित्र है ना, कि इसका जिक्र लगभग हर एक रिलीजन में है, चाहे वो आयुर्वेद हो, ऋग्वेद हो। ये सब तो हम जानते हैं कि हमारी लाइफ के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसके थेरापेटिक यूजेस हैं। मोस्टली ना आप में से 99% लोगों को नहाने का एक्चुअल तरीका पता ही नहीं है। देखो, ये बाथिंग यानी कि आपका नहाना बहुत ही ज्यादा खास चीज है। आप सोचते हो ना इस नहाने का क्या फायदा, लेकिन आपकी बॉडी पर ना इसके थेरापेटिक यूजेस होते हैं। आपको शायद नहीं पता, लेकिन डीप एंड पर बहुत सारी चीजें काम कर रही होती है। जैसे आपके नहाने के दौरान आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। और पता है आप नहाने के बाद इतना रिलैक्स कैसे फील करते हो, क्योंकि नहाने के दौरान ना हमारी बॉडी में प्रेजेंट पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इसी के चलते आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लेवल बिल्कुल लो हो जाते हैं। और पता है अगर आप नहाने में कुछ गड़बड़ी कर रहे हो ना, तो इसका असर आपकी सीधे हेल्थ पर पड़ता है। तो आज आप ना इस वीडियो के अंदर नहाने के सही मेथड्स यानी कि तरीके जान जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे भारत के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद और अथर्ववेद की हाइम्स में ये जिक्र है कि पानी खुद में तो प्योर है ही, और साथ ही वो दूसरों को भी प्योरिफिकेशन देता है। वेल, इस बाथिंग के ऊपर कोई एक्चुअल टाइम तो मेंशन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एक स्कॉलर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी नैतिक दिनचर्या को पूरा करना चाहिए, जिसमें नेचर कॉल, माउथ क्लीनिंग, टूथ ब्रशिंग, नास्यम, ये सारी चीजें मेंशन है, और उसके 45 मिनट्स बाद ही आपको नहाना चाहिए। एक्चुअल में डायरेक्ट सुबह उठ के नहाना कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो अपनी बॉडी को और ज्यादा वीक बना रहे हो। योग, आसन, प्राणायाम, ये सब ना नहाने से पहले करने चाहिए, और इनके तुरंत बाद भी नहाना नहीं चाहिए। इसके पीछे भी ना एक साइंस है। जब हम सो के उठते हैं ना, तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। जैसे ही वो बॉडी पानी के कॉन्टेक्ट में आती है, फिर उस बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, और फिर हमारी सब चैनल से जो एनर्जी बह रही होती है, वो ना एक इम्बैलेंस वे में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में दो शास इम्बैलेंस होने लगते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू अष्टंग हृदयम, अष्टंग संग्रह और सुश्रुत समेता, इन सब में ना सबसे एंड में स्नान यानी कि बाथ लेने को कहा गया है। और कुछ टाइम पहले तक ना कोल्ड वाटर से नहाने का एक ट्रेंड चला था, और जिसके शिकार हम लोग भी हुए थे। सुबह जल्दी मॉर्निंग में नहाना, वो भी ठंडे पानी से, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। और पता है सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने की क्यों मना है? क्योंकि सर्दियों के दौरान हमारी वायु और कफा डीस्टेबलाइज होने लगता है। और वहीं आप गर्मियों में अगर गर्म पानी से नहा लिए, तो आपका पित्त दोष इतना बढ़ जाएगा ना कि आपका ब्लड ना उबलना शुरू कर देगा। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, हमें दिन में दो बाथ लेनी चाहिए। इन मैंने काफी और स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है कि एक स्कॉलर के लिए सिर्फ एक ही बाथ बहुत है, और वो भी सूरज निकलने के साथ ही हमें नहा लेना चाहिए। और देखो, रही गर्म पानी की बात, वो सिर्फ बच्चों या फिर बूढ़े आदमी के लिए या फिर किसी इल पर्सन के लिए ही अलाउड है, या बाकी जो लोग ठीक हैं और जिन्हें नॉर्मल वाटर से कोई दिक्कत नहीं होती, वो आराम से सादा पानी से नहा सकते हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, नहाना बहुत ही ज्यादा प्योरिफाइंग है, ये लाइफ गिविंग एबिलिटी है। साथ ही हमारे फटीग, स्वेटिंग, डर्ट को रिमूव करता है, और सबसे खास बात, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ करता है, और साथ ही हमारे ओजस को एनहेंस करता है। और आगे श्री चरक कहते हैं कि इससे हमारी ब्लड की प्योरिफिकेशन और बेहतर होती है, और साथ ही हमारे सीमन बनने की प्रोसेस और तेज होती है। लेकिन हमें सर्दियों के दौरान भी ना कभी भी गर्म पानी सर पर नहीं डालना चाहिए, कि गर्म पानी सर पर डालने से हमारी आई साइड और खराब हो सकती है। वेल, अकॉर्डिंग टू अष्टंग संग्रह और अष्टंग हृदयम, आप सर्दियों में या फिर दर्द महसूस होने पर आप गर्म पानी से नहा सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आपके गले के ऊपर का हिस्सा गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन, आई, हेयर, इन सब के लिए ना डेंजरस है। लेकिन अगर आप लोअर बॉडी के लिए गर्म पानी यूज कर रहे हो, तो फिर वो आपको बॉडी स्ट्रेंथ देगा। और भाई, गर्मियों में ना गर्म पानी से नहाने का ट्राई मत करना, और सुबह 2 बजे के बाद और रात को नहाना, ये साफ मना है, क्योंकि उस टाइम पर ना आपकी बॉडी एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट हो रही होती है। अगर उस टाइम आपने नहाया, तो आपकी सर्कैडियन रिदम बिगड़ सकती है। लेकिन रात में ना कुछ स्पेशल ओकेजंस पे नहा सकते हो, जैसे कि ग्रहण के दौरान। और एक और बात, खाना खाने के बाद ना बिल्कुल भी नहाने का सोचना भी मत। देखो, जब आप खाना खाना शुरू करते हो ना, तो आपकी बॉडी की डाइजेस्टिव फायर वो तेज होती है, लेकिन जैसे ही आप खाना खाने के बाद नहा लोगे, तो फिर वो डाइजेस्टिव फायर ना बुझ जाएगी, और जिसकी वजह से ना आपको एसिडिटी, गैस और अदर गैस्ट्रिक इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। हमें नहाने के बाद ना अपना सर जोर से हिलाना नहीं चाहिए, और ना ही उसे जोर से रब करना चाहिए। उसे नॉर्मली हल्के हाथ से कॉटन क्लॉथ से पोंछ लेना चाहिए। और नहाने के बाद ना आपको कभी भी पहने पहनाए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको नहाने से पहले हमेशा अभ्यंगम जरूर करना है। अभ्यंगम मतलब आपको बॉडी मसाज करनी है। आप मस्टर्ड ऑयल, देसी घी या फिर काऊ घी यूज कर सकते हो। फिर उसके 20 से 25 मिनट बाद जाके आप नहा सकते हो। आप बॉडी डर्ट और टैन रिमूव करने के लिए स्टोन या फिर बीन स्क्रब से रब कर सकते हो। आप
आप उस पानी के अंदर नहाने के दौरान एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो जो हवा में और उस पानी के अंदर एक होलिस्टिक अरोमा घोल देंगे। आप नहाने के लिए साबुन को हटाकर ग्रैम फ्लावर यानी बेसन, कर्ड या फिर मिल्क को यूज कर सकते हो, क्योंकि मिल्क और कर्ड एक बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है जिससे आपकी स्किन ना चमक जाएगी। नहीं तो आप खुद 4-5 दिन ट्राई कर लो, आप खुद समझ जाओगे। वेल, आपको नहाने के दौरान पानी सबसे पहले अपने लेग्स पर डालना है, फिर उन्हें रब करना है, फिर स्टमक पे, फिर चेस्ट पे और फिर सबसे आखिर में अपने हेड पे। ये बिल्कुल परफेक्ट वे है नहाने का। और हाँ, नहाने से पहले और नहाने के बाद एक बार जरूर प्रे करना अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसी पानी से ना हम जीवित हैं और यही पानी हमें जीवन दे भी रहा है। सो जस्ट एंजॉय योर बाथिंग। तो जल्द मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस के साथ। अब तक के लिए राधे।